शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने बुधवार से राज्य में गुरु शिष्य संवाद कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से स्टूडेंट और टीचर्स की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए उनके बीच संवाद कायम हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। वे पिंक सिटी प्रेस क्लब में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम मीट द प्रेस में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास को लेकर के कई काम हुए हैं। साथ ही किरण माहेश्वरी ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में जिन नए कॉलेजों की घोषणा की थी उनमें से 27 को भूमि आवंटन किया गया, साथ ही 11 कॉलेजों में भवन निर्माण का काम पूरा हो चुका है। विभाग में नई भर्तियों को लेकर किरण माहेश्वरी का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में 1248 यानी कि 1248 लेक्चर्स की भर्ती प्रक्रिया दीन है। साथ ही विभाग की ओर से 21 और 22 दिसंबर को जयपुर में हायर एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को लेकर के भी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने जो 5 यूनिवर्सिटीज है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, उन स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी 20-20 करोड़ रुपए हम लोगों ने हर यूनिवर्सिटी को 3 चरण में देना तय किया। पहले चरण में 5 करोड़, दूसरे चरण में 10 करोड़ और फिर तीसरे चरण में 5 करोड़। तो ये भी हमारे उन यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये काम हमारे हो रहे हैं। मैं आज आपको विशेष ध्यान इस और दिलाना चाहती हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए जो बार बार एक चीज आती थी कि लेक्चरर्स की भर्ती नहीं हो रही है और इस कारण से जो कॉलेज के अंदर जो पढ़ाई है वो इफेक्ट हो रही है, तो उसमें भी मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद जिस तरीके से पदों की स्वीकृति जो हुई है वो बहुत ही रिमार्केबल है और ये आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो पद अभी जो स्वीकृत हुए वो 1248 पद हमने स्वीकृत किए 2008-09 में, और उसमें जो शुरुआत करी है भर्ती की आरपीएससी के माध्यम से करीब 164 जो है वो हमारे सिलेक्शन हो गए हैं। उसमें से 6 विषयों के जो है हमारे व्याख्याता उसमें सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से 117 को हमने पोस्टिंग भी दे दी है। अभी सारे सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। ये 1248 जो पद जो स्वीकृत हुए हैं वो सिर्फ इसी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो 25% जो हमारे यहाँ पर वैकेंसीज थी उन 25% वैकेंसी को शुरू करने का काम किया, जिसे जीरो पेंडेंसी तक हम लाना चाहते हैं।